Thank you. Faridul Islam Bachchu, you are the General Secretary FEMA, it means Forum Against Mizu Aggression. Okay. So, what's your demand? Is it logical in blocking railways connectivities, road connectivity as innocent civilian of both sides, Assam or Mizoram side, they are facing problems, economic development is affected? No. Is it the way of solutions? First of all, thank you so much. Thanks to the INN family. And you will be surprised that our panelists are responding in various languages. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो मैसेज जो डिस्कशन हो हर जगह पहुँचे, जैसे कि हम बंगाली में रेस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारे सर इंग्लिश में कर रहे हैं, मैं हिंदी में करना चाहूँगा ताकि हमारी जो रेस्पॉन्स है वो अच्छी तरह सबके साथ पहुँचे। देखिए, बात यह है कि ड्यूरिंग द इंसेप्शन एज अ स्टेट ऑफ मिजोरम, तब 1987 20 फरवरी थ्री, तब जब स्टेट बना, तब से लेके ये जो स्टेट बना, ये इंसर्जेंसी के बाद जब MNF के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तब जाके ये स्टेट बना, जैसे कि हमारे सर ने कहा। तो इन लोगों का एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स द नेबरिंग एरिया, जैसे कि हम उस दिन भी वो जो जगह में हमने बात किया है बहुत बार, जैसे कि हम बीइंग एज एन एसामीज, बीइंग एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट, हम अपनी ऑफिसर्स को, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सम्मान करते हैं। हम ऐसे, हमारे जो लीगेसी है वो ऐसा नहीं है कि हम इंसर्जेंसी करके वो स्टेट बना हुआ है। हम पहले से यहाँ है, इनहेबिटेंट है इस देश के, इस स्टेट के बाइज़त शहरी है हम। अभी जैसे कि आपने बोला कि हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम बोल रहे हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फोरम अगेंस्ट मिजो एग्रेशन, हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की मकसद ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारी KMSS है, हमारी राइजर दल है, UDF है, BJP, बहुत सारा राजनीतिक जो वो है और ऐसे भी सामाजिक जो संगठन है, सब आए हैं इस जो इंसिडेंट के बाद। तो हमने सोचा कि पहले से बना हुआ था, हमने सोचा कि एक फोरम बनाया जाए जिसके तहत हम इसका कार्रवाई करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी बात यह है कि हम बंद करने वाले में से नहीं है, हम लोगों को इफेक्ट दे ऐसे नहीं है। हम जब 9 फरवरी में जो इंसिडेंट हुआ, बारबारिक इंसिडेंट, इसके बाद बहुत सारा मीटिंग्स हुआ, हमारे जहीर भाई भी थे, हमारे मुही भाई भी थे और बहुत सारा पहुँचाई भी, बहुत सारे लोग थे वहाँ। तो उस इंसिडेंट के बाद हमने मिनिमम 4 या 5 दिन गैप था, तब वो DIG सर आए थे, ADGP सर आए थे, आने के बाद बहुत सारा पीस टॉक्स हुआ है। हम कभी भी मतलब कोई ब्लॉकेट वगैरह में नहीं गए, पहले वो बात को हमने पहुँचाया, डिस्कस किया। जब देखा कि हमारा कोई बात सुनी नहीं जा रही है, जैसे कि DIG सर जब आए थे, ADGP सर आए थे, तब जाके कहा गया कि दोस्त वो डिसप्लेस्ड, जो मिजो मिसक्रियंट्स द्वारा, जैसे कि मिसक्रियंट्स बोल रहे, जो डिसप्लेस हुए लोग, बर्निंग हुआ था, सब कुछ हुआ था इन फ्रंट ऑफ मिजो पुलिस एंड गवर्नमेंट मशीनरी ऑफ मिजोरम, और वहाँ का जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार है। अभी हम ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ के जो लोग हैं, ये सरकार की जो ये फैसले हैं साथ में रह के एग्रेशन करना, इसमें दुखी है। अगर दुखी होते तो उनका स्टेटमेंट रहता, उनके जितने भी लोग मिजोरम में रह रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ मतलब मिजोरम में रह रहे हैं और इस एग्रेशन के सपोर्ट में है, क्योंकि एक भी ऐसा स्टेटमेंट मिजोरम की तरफ से नहीं आया कि इसमें बहुत दुखद घटना है जो बारबारिक हुआ है, लोगों को मारा गया, पीटा गया, जो भी हो, किसी का भी लैंड हो, इट कैन बी डिबेटेबल, बट ऐसे लोगों का घर जलाना, ऐसे इनह्यूमन एक्टिविटी करना, लोगों को पहाड़ के खाई में फेंक देना, और ये कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? कोई भी इंसिडेंट के साथ हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, और जिसमें सरकारी क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम जो रेलवे ब्लॉकेट किया, इसका मेन वो है कि हम मिजोरम को कनेक्टिविटी से रोक रहे हैं ताकि उनको पता चले, उनके ऊपर प्रेशर आए, ये उनको सोल्यूशन जो है वो तो बाद में निकले, पहले उनको पता चले कि जब ऊपर में कुछ आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा या इस इकोनॉमिक सेशन के कारण कुछ बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, तब उनको पता चलेगा कि ऐसे होने से क्या होता है, लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। और हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, हम बहुत दुखी है कि लास्ट इतने दिन तक अभी भी गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि ये बहुत खराब घटना है या कुछ है। हाँ, पर्सनली फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, DGP सर ने एक बोला कि दो गोष्ठी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। एक दिन पे विदाउट इन्वेस्टिगेशन कैसे एक इतने बड़े प्रशासनिक पद में बैठ के कैसे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है? हालांकि दोनों स्टेट के लोगों के बीच ये हुआ है,
अभी बात है कि आप बोल रहे हो कि इसमें सॉल्यूशन क्या है और इसका आपका डिमांड क्या है। हमारा डिमांड कुछ नहीं है, हमारा डिमांड तीन डिमांड है। एक डिमांड ये है कि जितने भी मिजो और फोर्स है उसको विड्रॉ किया जाए और हमारे जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको वहाँ फिर से पहुँचाया जाए। एक डिमांड ये है। दूसरा ये है कि जितने लोग अभी बेघर हुए हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है और हमारा जो स्टेट है असम स्टेट दे फेल टू गिव प्रॉपर सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल्स टू द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सरकार को जाता है, इसीलिए हमारा सरकार को वो मुआवजा देना पड़ेगा 5 लाख करके हर फैमिली को। दो है। तीसरा ये है कि एक वहाँ सेंट्रल फोर्स का एक बैरक होना चाहिए। हम मिजोरम का भी नहीं चाहिए, हमें आसाम पुलिस से भी वो नहीं चाहिए, एक सेंट्रल फोर्स का एक बैरक होना चाहिए। इसमें से क्या होता है, बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है वो अच्छा होगा और आगे से ये नहीं होगा। यही हमारा डिमांड है और ये लॉजिकल हम समझते हैं। इकबाल बहार बरवैया अपने शेखानकार शेख जीपीर